यो कॉमिक माफिया फैम, मैं हूं गुरु संधू और आज हम बात करेंगे एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 4 के बारे में। मार्वल के इस स्पिन ऑफ शो के लिए हाइप तो काफी थी, लेकिन क्या ये एपिसोड एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाया या फिर सिर्फ एक एवरेज फील होता है। चलो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे पूरा एपिसोड और देखेंगे क्या हुआ, क्या अच्छा था और क्या डिसअपॉइंटिंग। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो कॉमिक माफिया को और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट रिव्यूज मिलते रहें। रीकैप ऑफ इवेंट्स। एपिसोड 4 में एगाथा की कहानी अब थोड़ा और फॉरवर्ड बढ़ती है। स्टोरी में अभी भी मे वाइब्स हैं। इस एपिसोड का प्लॉट थोड़ा कंफ्यूजिंग और स्लो लगता है, जैसे राइटर्स खुद श्योर नहीं थे कि एगाथा की कहानी कहाँ जाने वाली है। जो हमें रियल डेवलपमेंट चाहिए था उसके कैरेक्टर में, वो अब तक मिसिंग है। हॉन्टिंग टोन और क्रीपी वाइब्स तो मेंटेन की जा रही है, लेकिन वो मार्वल वाली एपिक फील जो हम सबको चाहिए होती है, वो अब तक डिलीवर नहीं हुई। कैरेक्टर आर्क्स एंड एगाथाज डेवलपमेंट। इस एपिसोड में एगाथा के कैरेक्टर का थोड़ा और एक्सप्लोरेशन होता है, लेकिन ओवरऑल वो भी जस्ट फाइन लगता है। एगाथा अभी भी एक ओवर द टॉप विलन है, लेकिन उसके अंदर एक इमोशनल डेप्थ या कुछ कंपेलिंग नहीं है जो कि ऑडियंस को ट्रूली कनेक्ट कर सके उससे। जो एक्सपेक्टेशंस थी कि हमको एक कॉम्प्लेक्स विलन मिलेगा, वो अब तक पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का रोल थोड़ा बेटर होता है, लेकिन फिर भी ये एपिसोड उन्हें अंडर यूटिलाइज करता है। कोई भी इम्पैक्टफुल मूवमेंट या ट्विस्ट नहीं आता है जो शो को ऊपर ले जा सके। ये शो को एक और फ्लैट एपिसोड बना देता है। जो ऑडियंस उसके मैजिक फील्ड पर्सनैलिटी से कनेक्ट थे, वो अब तक थोड़ा डिसअपॉइंट फील करेंगे। प्लॉट एंड पेसिंग। पेसिंग भी इस एपिसोड का एक मेजर इशू है। कहानी अभी भी धीरे धीरे चल रही है और कोई रियल एक्साइटमेंट या थ्रिल फील नहीं होता। फाइनल की तरफ कुछ माइनर डेवलपमेंट्स है, लेकिन वो भी अंडरवेलमिंग लगते हैं। यह एपिसोड ओवरऑल जस्ट ठीक ठाक था मतलब, लेकिन कुछ भी मेजरली इम्पैक्टफुल नहीं करता। सिनेमेटोग्राफी एंड टोन। जो चीज इस शो का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है इसका स्पूकी वाइब और एटमॉस्फेयर। सिनेमेटोग्राफी और टोन अब भी काफी डार्क और एरी है, जो काफी यूनिक फील देता है। एगाथा के मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना विजुअली इम्प्रेसिव है, लेकिन जब स्टोरी ही वीक हो तो विजुअल्स अपना मैजिक खो देते हैं। क्लिफहैंगर एंडिंग। एंडिंग में एक माइनर क्लिफहैंगर है जो आपको अगले एपिसोड के लिए वेट करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन वो भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना होना चाहिए था। ओवरऑल आपको लगता है कि अगले एपिसोड तक शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अब तक ये एपिसोड ऐसे लगता है कि जैसे गैप्स फिल करने के लिए डाल दिया गया हो। व्हाट वेंट रॉन्ग। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, एगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड 4 ठीक ठाक था। ये एपिसोड को थोड़ा फेल करता है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर करता है। जो सस्पेंस और टेंशन हम मार्वल शो से एक्सपेक्ट करते हैं, वो अब तक मिसिंग है। हम सब बस अभी तक वेट कर रहे हैं कि कब शो एक इंगेजिंग ट्विस्ट को लेकर एगाथा की कहानी को प्रॉपरली एक्सप्लोर करेगा। कंक्लूजन। सो कॉमिक माफिया फैम, ये था मेरा रिव्यू एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 4 के बारे में। एक एवरेज एपिसोड जो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट फील करवा सकता है, लेकिन शायद अगले एपिसोड में स्टोरी बेटर हो। आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये एपिसोड आपको अच्छा लगा या थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो आप भी? कमेंट्स में जरूर बताओ और अपने ओपिनियंस शेयर करो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे और ब्रेकडाउन्स और रिव्यूज आपके लिए आते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रिव्यू। कॉमिक माफिया से गुरी संधू साइनिंग ऑफ।